बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमारे पास नया पेपर है, फरवरी मार्च 24 का पेपर है। और बेटा मैं आपके लिए जो है वो डेटा रीड कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहला सवाल, विच स्टेटमेंट अबाउट सोल ट्रेडर इज करेक्ट? सोल ट्रेडर के बारे में कौन सी बात सही है? दे ऑलवेज ट्रेड बाय बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। क्या ये जरूरी है बाइंग और सेलिंग ही करें? अच्छा, सोल ट्रेडर तो सर्विस बिजनेस भी हो सकता है ना। जरूरी नहीं है कि सोल ट्रेडर जो है वो ट्रेडर ही हो, वो सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकता है। तो ये बात गलत है। दे डो नॉट एम्प्लॉय एनी स्टाफ। तो क्या जरूरी है अगर सोल ट्रेडर है तो सब काम खुद ही करेगा, कोई बंदा ही नहीं रखेगा? ऐसा तो नहीं है ना भाई। बात होगा सोल ट्रेडर बिजनेस होते हैं और बहुत सारा स्टाफ होता है, 100-100 लोग काम कर रहे होते हैं, सेट एक होता है। सही है, दे कीप ऑल द प्रॉफिट टू देमसेल्फ। ये बात सही है। दे मेंटेन रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग सोल ट्रेडर होता है या कंपनी होता है? कंपनी होता है। तो ये बात गलत। क्वेश्चन नंबर टू में क्या कह रहा है, विच सोर्स ऑफ फाइनेंस वुड बी अवेलेबल टू पब्लिक लिमिटेड कंपनी बट नॉट टू पार्टनरशिप? कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस भाई पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए तो होता है लेकिन पार्टनरशिप के लिए नहीं होता? बिल्कुल, डिबेंचर्स बेटा सिर्फ कंपनी के लिए होता है, पार्टनरशिप के लिए नहीं होता। बैंक ओवरड्राफ्ट तो कोई भी ले सकता है, कंपनी हो या सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप। लीजिंग भी कोई भी कर सकता है और ट्रेड क्रेडिट भी कोई भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर थ्री में बेटा, विच आइटम्स विल बी डेबिटेड टू अकाउंट्स इन द परचेज लेजर? विच आइटम्स विल बी डेबिटेड टू अकाउंट्स इन द परचेज लेजर? परचेज लेजर किसका अकाउंट होता है, कस्टमर्स का या सप्लायर का? सप्लायर का ना। तो ट्रेड पेबल्स की बात हो रही है ना। डेबिट का मतलब लायबिलिटी को बढ़ाने की बात हो रही है या कम करने की? लायबिलिटी को डेबिट करने का मतलब बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, बताएं? लायबिलिटी को कम कर रहे हैं। तो डिस्काउंट अलाउड आता है क्या ट्रेड पेबल में? डिस्काउंट रिसीव आता है बेटा, अलाउड तो नहीं आता। पेमेंट टू सप्लायर आएगा, जब पेमेंट टू सप्लायर करेंगे बेटा लायबिलिटी कम हो जाएगी। जब हम परचेज करेंगे उससे तो लायबिलिटी बढ़ जाती है, जब परचेज रिटर्न करेंगे बेटा उससे लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो 2 और 4 बेटा आंसर होगा इसका। प्यारे बच्चे अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है टॉम के नाम से। क्या कह रहा है बेटा, टॉम बॉट गुड्स कॉस्टिंग 100 ऑन क्रेडिट फ्रॉम सैम। 100 की गुड्स बाई की, ही रिटर्न द गुड्स कॉस्टिंग 20 एज फॉल्टी। 100 की गुड्स बाई की थी, इसमें से 20 क्या हो गया, अनस फॉल्टी थी, वो वापस दे दी। ही डिडक्टेड अ कैश डिस्काउंट एंड पेड 76 बाय चेक एंड फुल सेटलमेंट। तो बेटा 100 की गुड्स खरीदी, उसमें से 20 की रिटर्न कर दी, तो पैसे कितने देने थे, 80, और 80 पूरे नहीं दिए, 76 दिए, और बाकी क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। सही, विच अमाउंट वर रिकॉर्डेड इन टॉम्स बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री? क्या बताना है भाई, विच अमाउंट वुड बी रिकॉर्डेड इन द टॉम्स बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री? तो कौन सी चीज़ आपको बताना है टॉम की बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड होगी? तो मुझे बताएं, जब हम गुड्स बाय करेंगे तो फुल अमाउंट 100 रिकॉर्ड करेंगे या जो परचेज रिटर्न है वो माइनस करके रिकॉर्ड करेंगे? फुल अमाउंट बेटा। परचेज जनरल में 100 आएगा और परचेज रिटर्न जनरल में कितना आएगा, 20, जितने की गुड्स रिटर्न किए। और बेटा 3 कॉलम कैश बुक में बैंक कॉलम, तो बताएं बैंक से कितने पैसे गए, 76 या 80? बैंक से बेटा 76 गए। हाँ ऐसा ही है, अलीस गए, और बाकी $4 क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव होगा, ऐसा ही होगा ना, बाकी $4 डिस्काउंट रिसीव में आएगा। तो बेटा सी इज द राइट आंसर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है तक। कह रहा बेटा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, देख ले भाई क्या कर रहा है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स के बारे में कौन सी बातें सही है? दे आर नॉट इंटेंडेड फॉर रीसेल। बात सही है, रीसेल की नीयत से तो नहीं खरीदते ना इनको हम। दे प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। कोई भी एसेट हो बेटा, चाहे नॉन करंट हो या करंट हो, क्या फ्यूचर में वो बेनिफिट प्रोवाइड करता है, नहीं करता? बिल्कुल करता है। सही है। और आगे क्या कह रहे हैं, दे प्रिवेंट द कंपनी फ्रॉम गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। प्रिवेंट का मतलब रोक लेता है। तो क्या ऐसा होगा कि जिसके पास नॉन करंट एसेट नहीं होंगे वो कभी कंपनी बंद ही नहीं होगी? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। प्रिवेंशन का तो मतलब यही है ना कि भाई ये प्रिवेंट कर लेगा, ऐसा नहीं होगा भाई। जितनी भी कंपनीज बैंकक्रप्ट होती है सबके पास नॉन करंट एसेट तो होता ही है ना। तो नॉन करंट एसेट रखना क्या इस बात की गारंटी है कि बिजनेस बैंकक्रप्ट नहीं होगा? कोई इस बात की गारंटी नहीं है। तो 1 और 2 बेटा ए इज द राइट आंसर। एसेट्स बेच के यार, देखो एसेट बेच के फिर बंद तो हो जाता है बिजनेस, सही है ना। आउट ऑफ बिजनेस तो अब नहीं रोक सकते ना। हाँ एसेट बेच के तो पैसे चुका रहे होते हैं बाद में सबको, लेकिन बिजनेस तो बंद हो जाता ना। ये कह रहे हैं प्रिवेंट के हम आउट ऑफ बिजनेस होंगे ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। आउट ऑफ बिजनेस तो हो सकते हैं, तो वो तो लॉसेस के ऊपर डिपेंड करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नॉन करंट एसेट है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा, अब ये मुश्किल बात आ गई थोड़ी।
कह रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑन 1 जनवरी अ बिजनेस अक्वायर्ड अ न्यू मोटर व्हीकल फॉर 34,000। कितने की बेटा गाड़ी खरीदी? 34,000। कब खरीदी है? बिगिनिंग में खरीदी है, ईयर सही है ना, 1 जनवरी। इन एरर दिस वॉज रिकॉर्डेड इन द अकाउंट ऑफ मोटर एक्सपेंस। तो बेटा बिल्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर था जिसको क्या ट्रेड कर लिया है, द रेवेन्यू। तो एसेट के बजाय किस में रिकॉर्ड कर लिया बेटा? एक्सपेंस। मोटर व्हीकल डेप्रिशिएट हो रही है बेटा, आरवीएम रिड्यूसिंग बैलेंस एट द रेट ऑफ 30%। डेप्रिसिएशन का रेट क्या है बेटा? 30% रिड्यूसिंग। इट इज एस्टिमेटेड दैट मोटर व्हीकल विल हैव अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 4,000 एट द एंड ऑफ द लाइफ। क्या कह रहा है बेटा? एस्टिमेटेड है कि मोटर व्हीकल की रेजिडुअल वैल्यू जो होगी, स्क्रैप वैल्यू, वो कितनी होगी? 4,000 होगी एट द एंड ऑफ लाइफ, स्क्रैप वैल्यू थी। क्या रिड्यूसिंग बैलेंस में स्क्रैप वैल्यू का कोई काम होता है? नहीं ना, रिड्यूसिंग में स्क्रैप वैल्यू का तो कोई काम नहीं। क्या कह रहे बेटा? इफ द एरर इज नॉट करेक्टेड, अगर ये हम गलती को सही ना करें, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो हमने बताना बेटा हमारे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जी क्या कहते हैं? कितने से? अच्छा तो आप कह रहे यही होगा, चेक करते हैं बेटा। बेटा हमने जो गाड़ी खरीदी थी कितने की थी? 34। कैलकुलेटर हाथ में नहीं है, उन्हें फायदा नहीं है फिर इस तरीके से। और वो कह रहे हैं बेटा गाड़ी खरीदी जो क्या एसेट था, उसको हमने क्या ट्रीट कर लिया, देन एक्सपेंस। अच्छा मुझे बताओ, अगर हमने उसको एक्सपेंस ही ट्रीट कर लिया तो क्या हमने इसकी डेप्रिसिएशन बुक की या नहीं की? नहीं, बताओ नहीं की ना। तो मुझे एक बात बताएं, क्या डेप्रिसिएशन हमें बुक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए यार। पहली बात यह है कि जो एसेट था हमने उसको एक्सपेंस में डाल दिया, तो बताओ एक्सपेंसिस बढ़ा दिए कम कर दिए? एक्सपेंसिस बढ़ा दिए बेटा, कितने से? 34 से। एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया भाई, 34। तो पहली गलती सर नहीं, एक्सपेंस बढ़ा दिया, एसेट को एक्सपेंस में डाल दिया, एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। अब तो मुझे बताएं बेटा, जब हमने उसको एक्सपेंस ट्रीट किया तो क्या हमने उस पर डेप्रिसिएशन बुक की होगी या नहीं की होगी? नहीं की होगी ना, लेकिन करनी चाहिए नहीं? तो अब मुझे एक बात बताएं भाई, पहले साल जो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, पहला साल है दूसरा साल है? पहले ही साल है ना। कह रहे बेटा बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी में खरीदी है, 34,000 की इन एरर हमने एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दिया, और डेप्रिसिएशन का रेट क्या? रिड्यूसिंग 30%। तो बताओ पहले साल जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो कॉस्ट पे लगाएंगे या नेट बुक वैल्यू पे? कॉस्ट पे लगती है ना। तो बेटा 34,000 पे 30% बताओ कितनी डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए? कितनी? 10,200 डेप्रिसिएशन बुक होनी चाहिए थी, लेकिन की या नहीं की? नहीं की। डेप्रिसिएशन बेटा कम बुक करने की वजह से प्रॉफिट कम हो गया या बढ़ गया? प्रॉफिट बढ़ गया। कितने से प्रॉफिट बढ़ गया? 10,200। तो बेटा एक बार हमारा प्रॉफिट कम हो गया क्योंकि हमने एसेट को एक्सपेंस बना दिया, और दूसरी बात बेटा वो जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए थी जो कि जायज थी वो नहीं की। डेप्रिसिएशन ना चार्ज करने के बाद प्रॉफिट क्या हो गया? बढ़ गया। तो बताओ प्रॉफिट डिक्रीज ज़्यादा है या इंक्रीज ज़्यादा? डिक्रीज ज़्यादा। ओवरऑल डिक्रीज कितने का है बेटा? कितने का डिक्रीज हो गया? नेट करो ना इनको, 23,800 का अंडरस्टेटेड बेटा। 20 द राइट आंसर, समझा ना, 20 द राइट। तो इसमें बेटा दोनों का इंपैक्ट बताना है, एक तो एक्सपेंस को एसेट ट्रीट किया, सॉरी एसेट को एक्सपेंस ट्रीट किया उसका भी, हाँ कबीर, और जो डेप्रिसिएशन बुक नहीं की उसका भी, दोनों का इंपैक्ट बताना। तो डेप्रिसिएशन बुक करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा? देखो अभी हमने सही करके नहीं बताना, हमने बताना है जो एरर की वजह से क्या इफेक्ट है। इफ द एरर इज नॉट करेक्ट, तो कभी वो गलती का इफेक्ट पूछेगा, कभी वो गलती को सुधारने का इफेक्ट पूछेगा, ऐसा ही है ना तालिब, समझ में आ रही है बात? तो ये गलती का इफेक्ट बताना, फोकस करें भाई, डेप्रिसिएशन आ गया, मुश्किल है टॉपिक। कह रहा बेटा कंपनी परचेज द मशीन अनस ऑन 1 अप्रैल फॉर 25,000। कितने की खरीदी बेटा मशीन? 1 अप्रैल 2021 में तालिब, 25,000। डेप्रिसिएशन है बेटा 20%। स्ट्रेट लाइन कॉस्ट पे लगाएंगे या नेट बुक वैल्यू पे? कॉस्ट पे लगाएंगे। अभी देख लेते, लिखा हुआ है ना, अ फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नन इन द ईयर ऑफ से। फुल ईयर है मंथ वाइज है? फुल ईयर लिखा हुआ है ना, और अगर कुछ ना बोले तो कौन सी पॉलिसी होती है? मंथ वाइज होती है, सही है। अगर जब तक फुल ईयर ना बोले कौन सी होती है बेटा? मंथ। कह रहे बेटा फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नन इन द ईयर ऑफ सेल। ऑन 30 जून द मशीन वॉज सोल्ड फॉर 12,500। ईयर एंड कब हो रहा है? डिसंबर में। व्हाट वाज द प्रॉफिट या लॉस ऑन द डिस्पोजल ऑफ द मशीन? गेन या लॉस निकाल। कैसे निकलता है बेटा गेन या लॉस? सबसे पहले हम लेते हैं कॉस्ट, उसमें से क्या माइनस करते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो क्या आ जाती है बेटा? एनबीवी। और इसमें से माइनस करते हैं प्रोसीड्स, तो आ जाता है गेन या लॉस। बताएं बेटा ये जो मशीन हमने बाई की थी ओरिजिनली कितने में खरीदी थी? 25,000। और हर साल डेप्रिसिएशन 20% स्ट्रेट लाइन है ना। तो बेटा बताएं कब खरीदी थी? अप्रैल 21 में। और ईयर एंड कब होता है हर साल? दिसंबर। पहला ईयर एंड कब होगा? 21 में या 22 में? बताएं भाई पहला ईयर एंड कब होगा?
31 दिसंबर 21 में या 22 में? पहला ईयर एंड होगा 21 में, दूसरा ईयर एंड होगा 22 में, और बेची कब है? 23 में। तो बताएं 23 की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि फुल ईयर पॉलिसी है ना। फुल ईयर में बेटा जिस साल बेच दी उस साल नहीं होगी। 25,000 का 20% कितना हो गया? पहले साल 5,000, दूसरे साल भी 5,000। क्या स्ट्रेट लाइन में हर साल इक्वल होती है? नहीं होती। हाँ, तो 5 5 10 हो गया। तो बेटा 25 में से 10 माइनस करें, बुक वैल्यू कितनी बच गई? कैरिंग वैल्यू 15। 15 की चीज़ कितने बेच दी? 12,500 में। बताएं बुक वैल्यू से ज़्यादा में बेच दी या कम में? कम में बेची तो लॉस हो जाएगा, सही है ना? 2,500 का लॉस। 15,000 की चीज़ 12.5 में बेची, लॉस हो गया। तालिब क्या कर रहे हो? 15,000 की चीज़ 12.5 में बेची, लॉस हो गया। आसान है ये तो, आसान। कसम भाई 8 में क्या कह रहे बेटा? विच एरर विल कॉज अ ट्रायल बैलेंस नॉट टू बैलेंस। ऐसी क्या हरकत की कि ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं हो? ट्रायल बैलेंस किससे बैलेंस नहीं होता? कॉपरॉक वाले एरर से, कमीशन अमिशन प्रिंसिपल रिवर्सल ओरिजिनल एंट्री कंपनसेटिंग, या उसके अलावा जो एरर्स है कॉपरॉक के अलावा एरर्स? तो हमने बताना बेटा कौन सा एरर है जो कॉपरॉक के अलावा है। सही है, जनरल रूल याद रखो बेटा, एक ऐसा एरर है जो डबल एंट्री के रूल्स को वायलेट करता है। क्या करता है? डबल एंट्री के रूल्स को वायलेट करता है, उससे ट्रायल बैलेंस क्या होगा? अफेक्ट होगा। सही है ना, मतलब नॉट बैलेंस होगा। इनवॉइस एंटर्ड एज अ क्रेडिट नोट ऑन ओरिजिनल इनपुट, यार अगर ओरिजिनल एंट्री गलत कर दी, सही है, इनवॉइस की जगह क्रेडिट नोट अगर लिख दिया, हाँ तो क्या इफेक्ट होगा ही नहीं होगा? नहीं होगा ना, ये तो एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री है ना, इससे तो ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सही है, तो बेटा हमें कोई ऐसा एरर बताना है जो हमारा क्या करे, डबल एंट्री के रूल्स को वायलेट करे कॉपरॉक के अलावा। तो बेटा एक ऐसी जनरल एंट्री जो हमने बनाई जो बैलेंस नहीं हो रही, डेबिट अलग अमाउंट है क्रेडिट अलग अमाउंट है, तो ट्रायल बैलेंस बुरा मान जाएगा? बिल्कुल। ट्रांजैक्शन एंटर्ड एज द रॉन्ग अमाउंट ऑन द ओरिजिनल इनपुट, अगर ओरिजिनल इनपुट में गलत अमाउंट लिख दिया तो फिर ट्रायल बैलेंस जो है ये भी एरर ओरिजिनल एंट्री है। सही है, तो इससे ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो जाएगा। ट्रांजैक्शन नॉट एंटर्ड तो ये ओमिशन होगा ना, ओमिशन का मतलब लिखना ही भूल गए, तो उससे भी ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो जाएगा। चेक करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा बिजनेस प्रिपेयर्ड अ ट्रायल बैलेंस दैट इंक्लूड अ सस्पेंस अकाउंट। सही, कॉपरॉक के अलावा एरर किया होगा। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जिसमें प्रॉफिट ही आ रहा है। ड्राफ्ट अकाउंट्स कौन से होते हैं? करेक्ट होते हैं, इसमें भी कोई मस्ती बाकी है? मस्ती बाकी है ना। फॉलोइंग एरर वर डिस्कवर्ड, 3 एरर्स हैं। आफ्टर करेक्टिंग दीज एरर द बैलेंस ऑन द सस्पेंस अकाउंट वाज एलिमिनेटेड। क्या हुआ बेटा? ये सारे एरर जब हमने करेक्ट कर लिए तो सस्पेंस क्या हो गया? खत्म हो गया। अच्छा, तो अब क्या भाई, 3 एरर्स हैं और हमने बताना रिवाइज प्रॉफिट, तो देखते हैं बेटा कैसे होगा प्रॉफिट करेक्ट। ओरिजिनल प्रॉफिट दिया हुआ कितना है? 85,000। कह रहे डिस्काउंट अलाउड था बेटा 1,000 हैव बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड डेबिट करना चाहिए, हमने किसको डेबिट कर दिया था बताओ? रिसीव को डेबिट कर दिया। क्या रिसीव का कोई काम था या नहीं था? रिसीव का कोई काम था या नहीं था? नहीं था। तो रिसीव को क्या कर देंगे बेटा? रिसीव, बेटा रिसीव को गलती से डेबिट किया था तो रिसीव को क्रेडिट कर देंगे और अलाउड को डेबिट कर देंगे। कौन सा डबल अमाउंट आ रहा है बेटा यहाँ पे? सही है, डबल अमाउंट नहीं आ रहा। सही है ना, डबल अमाउंट नहीं आ रहा। 83,000 हो गया, 4,000 और कम होगा। सही है, उसके बाद तो बेटा अब ये एक एरर ये हो गया। पहले एंट्रीज बना लें, उसके बाद फिर देख लेते हैं कौन सा जो है वो मस्ती है। आगे क्या कह रहा है बेटा? मोटरिंग एक्सपेंस कितना था? 4,000 हैव बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। क्या कह रहा है बेटा? मोटर एक्सपेंस था 4,000 हैव बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। इससे अफेक्ट नहीं आएगा। मोटर एक्सपेंस बेटा डेबिट करना चाहिए था, हमने किसको डेबिट कर दिया था? परचेज को। तो परचेज को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और मोटर एक्सपेंस को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। कितने से? ये है 4,000। सही है, आगे देख लेते बेटा। पेमेंट की है फॉर परचेजेस ऑफ 5,000 हैव बीन करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक बट क्रेडिटेड टू ड्रॉइंग अकाउंट। क्या कह रहा है? पेमेंट फॉर परचेजेस ऑफ 5,000 परचेज की है ना, और हमने बेटा एंट्री बनानी चाहिए थी परचेज डेबिट बैंक क्रेडिट, ऐसा ही है ना, और हमने क्या किया? ड्रॉइंग को क्रेडिट कर दिया। क्या ड्रॉइंग का कोई काम था या नहीं था? ड्रॉइंग को बेटा क्रेडिट कर दिया, तो ड्रॉइंग को क्या कर देंगे? डेबिट। और क्रेडिट किसको करेंगे? परचेजेस को तो डेबिट करेंगे ना बेटा, जब परचेज करेंगे बैंक के थ्रू तो परचेज भी डेबिट होगी और ड्रॉइंग भी डेबिट होगी, और बैंक को तो सही किया है तो सस्पेंस आ जाएगा या नहीं? सस्पेंस आ जाएगा। अब 1,000 सही है, तो अब करके देखते हैं बेटा हमारा ड्राफ्ट प्रॉफिट कितना था? 85। तो डिस्काउंट अलाउड बेटा एक्सपेंस है, जब एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ? एक्सपेंस बेटा जब बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, ऐसा ना? और ये रिसीव इनकम है, इनकम को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं?
बताए बेटा, इनकम को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं? इनकम को बढ़ा रहे हैं। इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, सही है। तो बेटा एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन जब इनकम बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो क्या ये कैंसिल आउट होगी या नहीं होगी? देखिए, एक तरफ जो है वो हम इनकम को बढ़ा रहे हैं उससे प्रॉफिट बढ़ेगा, एक तरफ एक्सपेंस बढ़ा रहे हैं उससे प्रॉफिट कम होगा, तो ये तो कैंसिल आउट होगी, सही। आगे देखते हैं बेटा, मोटर एक्सपेंस जब बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन जब परचेस कम करेंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, सही। परचेस कम करने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा और क्या होगा भाई? परचेस कम करने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा और एक्सपेंस बढ़ाने से प्रॉफिट कम हो जाएगा, सही है। आगे बात करते हैं, थर्ड में क्या कह रहा है बेटा, पेमेंट फॉर परचेजेस ऑफ 5000 हैव बीन करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक बट क्रेडिटेड टू ड्रॉइंग अकाउंट। क्या कह रहा है भाई? पेमेंट फॉर परचेजेस ऑफ 5000 हैव बीन करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक बट क्रेडिटेड टू द ड्रॉइंग अकाउंट। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, ये भी कैंसिल हो गया ना बेटा। थर्ड वाले में ड्रॉइंग तो आएगा नहीं, प्रॉफिट में नहीं आता ना ड्रॉइंग, कभी परचेज आएगा। जब परचेज बढ़ेगी तो बेटा प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? परचेज बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, ऐसा ही है। तो 85 में से 5000 कम कर दे, कितना रह जाएगा? 80। तो बेटा सी इज द राइट आंसर। ये सस्पेंस 10000 है, सही ना? सस्पेंस 10000, हां बिल्कुल। लेकिन सस्पेंस का कोई काम नहीं है ना, हमें तो सिर्फ प्रॉफिट को करेक्ट करना है। आगे बात समझ, हां जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं हम, सही। सस्पेंस 10000 है, 5000 5000 10000, जी। तो ये समझ में आ गई बात? तो ये खामा खाई में से लंबी की भी थी, सही। सिर्फ एक एरर अफेक्ट कर रहा है और जो है इतने सारे डाल दिए कंफ्यूज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं बेटा क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है बेटा, अमित कंपेयर्ड हिज बैंक स्टेटमेंट विद हिज कैश बुक। बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक को क्या किया है? कंपेयर किया है। और हाउ डिड अमित डील विद द आइटम्स, हाउ डिड अमित डील विद द आइटम्स रिवील्ड बाय दिस कंपैरिजन। क्या कह रहा है बेटा, अमित ने कंपेयर किया बैंक स्टेटमेंट विद द कैश बुक। हमने बताना है कौन सी चीजें अपडेटेड कैश बुक में आती हैं और कौन सी चीज आती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बेटा बैंक चार्जेस कहाँ आता है, अपडेटेड कैश बुक में या बीआरएस में? बैंक चार्जेस अपडेटेड कैश बुक में आता है, बात सही। अगर बैंक ने एरर किया है तो उसकी करेक्शन कैश बुक में होगी, हानस फारिक, सही। अगर बैंक ने एरर किया है तो उसकी करेक्शन बेटा बैंक स्टेटमेंट में होगी, सही है। बैंक रिकंसिलिएशन में होगी, अपडेटेड कैश बुक में बैंक रिकंसिलिएशन, तो ये बात गलत हो गई। टाइमिंग डिफरेंस कौन से होते हैं जो वो टेम्प्रेरी डिफरेंस होते हैं ना, अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड, जो टाइमिंग डिफरेंस होते हैं वो टेम्प्रेरी डिफरेंस होते हैं, वो यहाँ आते हैं बीआरएस, सही है। तो ए ही हो गया। तो देखो, बैंक ने अगर एरर किया है टाइमिंग डिफरेंस है, वो आएंगे बीआरएस में, और बैंक चार्जेस हैं तो बेटा वो आएगा अपडेटेड कैश बुक। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन पे 11 पे बात करते हैं बेटा। कह रहा है बेटा, द बैंक स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1570। बैंक अगर क्रेडिट बैलेंस बता रहा है तो ये पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव? पॉजिटिव बैलेंस। कह रहे हैं द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर डिस्कवर्ड ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द बैंक स्टेटमेंट। अगर आप देखो बेटा, दो चीजें, एक अनप्रेजेंटेड एनएस और एक अनक्रेडिटेड बैंकिंग्स। अनक्रेडिटेड बैंकिंग्स क्या होता है? अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स, सही है। डायरेक्ट डेबिट ऑफ 230 वाज शोन एज 320 इन द कैश बुक। अच्छा बेटा, मैं क्वेश्चन नंबर 11 रीड कर रहा हूँ, देखिए जरा क्या कह रहा है। कह रहा है द बैंक स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1570 एट 31 दिसंबर। क्या कह रहा है बेटा? वो कह रहा है बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। अगर बैंक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो ये कौन सा होता है बेटा? ये पॉजिटिव बैलेंस होता है। The following differences were discovered on comparing the cash book with the bank statement. अगर आप देखो, दो चीजें हमें मिली हैं, एक unprecedented है और एक क्या है बेटा? Uncredited lodgement. ये जो banking होता है, lodgement होता है. Direct debit of 230 was shown as 320 in the cash book. तो ये cash book में एक error किया है ना इन्होंने? Unprecedented जो हमने दिया होता है ना? जी, unprecedented बेटा हमने supplier को दिया है, और uncredited मतलब हमें check मिला है और वो हमने bank में जमा कराया है, लेकिन ये अभी तक हमारे account में credit नहीं हुआ, ऐसा ही होता ना? Uncredited. अच्छा, आगे क्या कह रहा है बेटा? आगे वो कह रहा है कुछ और डेटा दिया हुआ है, व्हाट इज द अपडेटेड कैश बुक बैलेंस। तो हमने क्या निकालना है बेटा? बैलेंस एस पर अपडेटेड कैश बुक निकालना। तो अगर आप देखें बेटा, बीआरएस का फॉर्मेट याद है आपको? बीआरएस का फॉर्मेट क्या होता है बेटा? स्टार्ट करते हैं बैलेंस एस पर अपडेटेड कैश बुक, याद है? बैलेंस एस पर अपडेटेड कैश बुक। अगर आप वर्किंग भी देखना चाह रहे हैं तो वो टीम्स के लिंक से ज्वाइन कर लें जिसका नेट चल रहा है। तो बेटा अपडेटेड कैश बुक से अगर हम चलते हैं तो ऐड करते हैं अनप्रेजेंटेड, लेस कर देते हैं अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स, और फाइनल आंसर क्या आ जाता है? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो आप मुझे बताएं, यहाँ बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट बेटा आपको दिया हुआ है? बिल्कुल, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस। तो अगर बैंक क्रेडिट बोल रहा है तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बैंक क्रेडिट बोल रहा है तो ये पॉजिटिव बैलेंस है। अपडेटेड कैश बुक बैलेंस बेटा गिवन नहीं है, हमने फाइंड करना है।
अनप्रेजेंटेड नॉर्मली क्या होता है एड होता है और अनक्रेडिटेड नॉर्मली क्या होता है बेटा लेस होता है। तो क्या हम रिवर्स वर्किंग करेंगे? बिल्कुल। तो बेटा अब हम एक काम करेंगे कि हम स्टार्ट करेंगे बैलेंसेस पर बैंक स्टेटमेंट से, जो अनक्रेडिटेड बेटा माइनस हो रहा है उसको क्या कर देंगे अल्लाह हाफिज प्लस कर देंगे, और जो प्लस हो रहा है उसको फिर माइनस कर देंगे। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो बेटा जरा देख लेते हैं कैसे करना है। अब हम जो है वो स्टार्ट करेंगे किससे? 1570 से। देखिए हमारे पास जो है 1570 दिया हुआ है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, इसमें 1800 क्या कर दें प्लस कर दें और 1250 क्या कर दें माइनस कर दें। तो कितना आ गया सर? ये आ गया 2120 आ रहा है। 2120 बेटा डी इज द राइट आंसर, डी आंसर आ रहा है 2120 जी बेटा। क्या हाल ही आता है ये डायरेक्ट डेबिट को हमने क्यों नहीं यूज़ किया? सर डायरेक्ट डेबिट को उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब हम अपडेटेड कैशबुक बना रहे होते। तो यहाँ अपडेटेड कैशबुक बनानी थी या यहाँ पे BRS बनानी थी? BRS बनानी। तो जब हमने डायरेक्ट डेबिट को यूज़ नहीं किया ये जो एरर था, तो हमारे पास तो ऑटोमेटिकली सही वाला बैलेंस आ गया ना, अब हमें एरर की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कैशबुक बना रहे होते तो फिर हम ये वाला बैलेंस यूज़ करते। थोड़ा सा इसने कन्फ्यूज़ किया। क्वेश्चन पर 12 पे जाते हैं, कह रहे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रिपेयरिंग सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट SLCA बेटा हम क्यों बनाते हैं? SLCA का हमने रीजन बताना। डिटेक्टिंग एरर्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, डिटेक्टिंग एरर। यार देखो अगर एरर, अगर एंट्री ही गलत बना दी तो उसका SLCA बनाने से हमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि SLCA हम वैसे भी इसलिए नहीं बनाते कि एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री को हम नहीं पकड़ सकते। क्यों? एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री में दोनों जगहों पे गलत बनाई होगी, सेल्स लेजर में भी और कंट्रोल अकाउंट में भी, आ गया जाना। तो इसका मतलब बेटा इससे जो है वो कोई फायदा नहीं होगा, सही एरर पकड़ा नहीं जाएगा, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री ऐसा ही होगा ना। कह रहे हेल्पिंग रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, क्या कह रहा है बेटा? फ्रॉड का चांस जो है वो कम हो जाता है, ये बात सही है, फ्रॉड का चांस तो कम होता है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सेल्स लेजर अलग बंदा बनाता है और SLCA जनरल लेजर अलग बंदा बनाता है, तो ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होती है, तो इससे फ्रॉड को रोका जा सकता है। प्रोवाइडिंग टोटल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल फॉर इंक्लूजन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिल्कुल SLCA से टोटल ट्रेड रिसीवेबल पता लग जाता है। फॉर 2 and 3 बेटा डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं क्या करें। अ कंपनी प्रिपेयर्ड इट्स परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट PLCA बनाया, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। विच शोड अ बैलेंस ऑफ 15,960, PLCA के हिसाब से हमने कितने पैसे देने बेटा सप्लायर को? 15,960। द फॉलोइंग एरर्स वर देन डिस्कवर्ड, कह रहे व्हाट वाज द करेक्ट टोटल ऑफ ट्रेड पेबल्स, हमने बताना है बेटा करेक्ट बैलेंस किसका है, ट्रेड पेबल का करेक्ट बैलेंस कितना है, करेक्ट टोटल। तो अब इसके लिए बेटा आसान तरीका ये इसको सॉल्व करने का कि हम एक बना लेते हैं PLC। PLCA किसका अकाउंट है? सप्लायर का। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ आ जाएगा, डेबिट पे या क्रेडिट पे? नॉर्मल बैलेंस तो बेटा क्रेडिट पे आता है ना, तो बैलेंस BD लिख देंगे क्रेडिट पे। अब एक एक करके देख लेते हैं। डिस्काउंट रिसीव हुआ था कितना? 450 हैव बीन एंटर्ड इनटू द परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट एज 540। तो बताओ डिस्काउंट ज़्यादा लिख दिया या कम? डिस्काउंट बेटा हमने ज़्यादा लिख दिया। डिस्काउंट बढ़ने की वजह से हमारा PLCA कम हो गया होगा, तो PLCA को बढ़ाएंगे या नहीं? लाइबिलिटी को, लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए डेबिट किया जाएगा या क्रेडिट? क्रेडिट किया जाएगा। तो डिस्काउंट रिसीव इधर आ जाएगा बेटा, डिफरेंस 90 आ रहा है, 450 और 540 का डिफरेंस 90 आ रहा है ना। कह रहा है भाई अ पेमेंट ऑफ 720 टू अ सप्लायर हैव नॉट बीन एंटर्ड इन हिज अकाउंट डेबिट। तो ये तो भाई इंडिविजुअल अकाउंट की बात हो रही है, ये PLCA का एरर नहीं है। कह रहा है बेटा हमने एक सप्लायर को पेमेंट दी है और वो कह रहा है कि हमने उसके अकाउंट में एंट्री नहीं बनाई, तो किसके अकाउंट की बात हो रही है? उस पर्टिकुलर सप्लायर के। तो ये इंडिविजुअल जो गलती है ये रिकंसिलेशन में आती है, PLCA में नहीं आती, क्योंकि PLCA में तो एंट्री पहुंच चुकी होगी। कैसे? जब हमने सप्लायर को पेमेंट दी होगी बेटा तो कैश बुक में तो रिकॉर्ड की होगी या नहीं? तो जब कैश बुक में रिकॉर्ड कर ली, सही है, तो फिर वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी होगी यहाँ पे PLCA में। कह रहे हैं द परचेज लेजर डेबिट बैलेंस कैरिड डाउन टोटलिंग 110 हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम द कंट्रोल अकाउंट। तो बेटा अब ये लिखना पड़ेगा डेबिट बैलेंस या नहीं? अच्छा अब मुझे बताए ओपनिंग डेबिट कहाँ आता है? डेबिट पे। तो क्लोजिंग डेबिट कहाँ आना चाहिए बेटा? क्रेडिट पे। तो क्लोजिंग डेबिट बेटा क्रेडिट साइड पे आएगा, तो ये यहाँ पे हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 110, ऐसा ही है ना, क्योंकि बैलेंस BD बन के कहाँ जाएगा? डेबिट पे आ जाएगा, ऐसा ही है ना। तो ये कैरी डाउन बेटा क्रेडिट साइड पे आएगा। कह रहा है कॉन्ट्रा 170 हैव बीन एंटर्ड इन द परचेज लेजर बट नॉट इन द PLCA, तो इसको कॉन्ट्रा को लिखना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रा से लाइबिलिटी क्रेडिट होती है या डेबिट हो जाती है? कॉन्ट्रा से लाइबिलिटी डेबिट हो जाती है, ऐसा ही होता है ना, PLCA डेबिट और कॉन्ट्रा SLCA इधर आ जाता है, PLCA डेबिट SLCA क्रेडिट। क्या अब इसको बैलेंस करके बेटा बैलेंस CD निकाला जा सकता है या नहीं? कैसे? बड़ी साइड कौन सी आएगी बताएं, डेबिट या क्रेडिट? बड़ी साइड आएगी बेटा हमारी क्रेडिट, ऐसा ही है ना। 15,960 प्लस 90 प्लस 110 टोटल कितना आ गया?
1660 इसमें से 170 माइनस कर दो कितना आ रहा है 15990 सी इज द राइट आंसर आ रहा है 15990 ये देखिए थोड़ा सा मुश्किल है ये कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन टॉपिक है जो आपने पढ़ा था कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन से तुम्हारे लगने से वो ना तो फिर चाहिए क्या अच्छा आगे बात बढ़ाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर बेटा 14 में देखे जरा क्या कह रहा है दीपक मेरा कह रहा है दीपक प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अगर आप देखो बेटा कुछ डेटा दिया हुआ है अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट दिया हुआ है पहले साल का और दूसरे साल का और रेट ऑफ अलाउंस अलाउंस क्या होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बाय हाउ मच डिड द टोटल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल चेंज फ्रॉम द एंड ऑफ ईयर 1 टू एंड ऑफ ईयर 2 यार एक अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 में देखे बेटा क्या कह रहा है दीपक प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन By how much did the total of trade receivable change from the end of year 1 to end of year 2? हमने बताना है बेटा trade receivable में कितना change आ रहा है। आप कैसे चेक करेंगे? बेटा पहले साल हमारा 6% था और 600 आया था और 3% था। तो क्या इसका trade receivable हम निकाल सकते हैं नहीं? कैसे निकालेंगे भाई trade receivable? भाई देखिए ऐसा होता है कि trade receivable को multiply by percentage करते हैं तो क्या आता है? Allowance आता है। और अगर अलाउंस को डिवाइड करेंगे 3% से तो क्या ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा नहीं बेटा अगर ये 600 था 3% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स को डिवाइड बाय 3% करेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा 20,000 ऐसे बेटा ईयर 2 का अगर आप देखें क्या सीन है ये जो 800 है ये कितना परसेंट है ये 5% है अगर इसको डिवाइड बाय 5% कर दें तो कितना आ जाएगा 16,000 तो बेटा जो पहले ट्रेड रिसीवेबल 20 था अब कितना हो गया 16 हो गया तो 20 से 16 हो गया तो क्या ये डिक्रीज हो गया डिक्रीज बाय 4000 समझ में आ रहा है डिक्रीज तो ए इज द राइट आंसर समझ नहीं आया कैसे निकाला अच्छा मुझे एक बात बताओ यार जब हम प्रोविजन कैलकुलेट करते हैं अलाउंस तो इसका फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला होता है बेटा ट्रेड रिसीवेबल मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऐसे ही होता है अगर मैं बेटा आपको ये भी बता दूं तो क्या ये आप ये निकाल सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल क्या चीज मिसिंग है यहां पे ट्रेड रिसीवेबल ये कैसे निकालोगे ट्रेड रिसीवेबल ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगी ना परसेंटेज तो बेटा प्रोविजन को अगर हम परसेंटेज से डिवाइड करेंगे तो क्या ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा या नहीं ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा इसको रिकॉर्डिंग को अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 15 देखें क्या कह रहा है नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बेटा बिजनेस अ सोल ट्रेडर बिगन अ बिजनेस ऑन 1st जनवरी विद कैपिटल 50,000 कितने कैपिटल से भाई काम धंधा शुरू किया $50,000 ड्यूरिंग द ईयर शी इंट्रोड्यूस To the business her own private vehicle which cost 22,000 अपने घर की गाड़ी business में ले तो ये क्या drawing है या additional investment है additional investment है ना लेकिन वो कह रहा है cost तो थी 22 लेकिन उसकी आज value क्या थी 16 तो हम इसको क्या consider करेंगे 22 या 16 16 consider करेंगे सही है drawing for the year है बेटा 20 at the end of the year 31st December closing balance on the capital account was this what was the profit for the year तो ये कौन सा topic है बेटा single entry incomplete records याद है तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं ओपनिंग कैपिटल से ऐड करते हैं इसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट और अगर बेटा हम प्रॉफिट कमाते हैं तो उससे कैपिटल बढ़ जाता है अगर ड्राइंग करते हैं तो कैपिटल कम हो जाता है तो क्या आ जाता है क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है ऐसा ही तो अगर आप देखो बेटा यहाँ ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ था कितना 50,000 और एडिशनल वाला सम एडिशनल इन्वेस्टमेंट दी हुई है यहाँ पे नहीं दी हुई एडिशनल बेटा इसने दी हुई है 16,000 ऐसा ही है ना प्रॉफिट बेटा गिवन नहीं है इसको एक्स कर देते हैं ड्राइंग गिवन है कितनी ड्राइंग की है बताओ भाई ड्राइंग 20,000 है और क्लोजिंग कैपिटल भी दिया हुआ है कितना 105 तो क्या रिवर्स वर्किंग करके बेटा प्रॉफिट तक पहुंच पाएंगे कैसे क्लोजिंग से चलेंगे बेटा जो ड्राइंग माइनस हो रही थी उसको प्लस करेंगे और दोनों को माइनस करेंगे तो 59 सी आ रहा है 15 का बेटा सी इज द राइट आंसर सही है तो ये सामने आ गया भाई तो ये सिंपल है कह रहे बेटा विच प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1890 अप्लाइज व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर पार्टनर्स ने आपस में एग्रीमेंट नहीं किया तो क्या होगा सही है क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा या नहीं होगा बताएं अगर एग्रीमेंट नहीं बना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है या नहीं होता वो भी नहीं होता इंटरेस्ट ऑन लोन होता है या नहीं होता हाँ अगर कोई पार्टनर बेटा अपने बिजनेस को लोन दे रहा है तो कितना इंटरेस्ट होगा 5% और सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी सही और प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल होगा तो याद रखें अगर एग्रीमेंट ना हो तो फिर ये मामलात होते हैं सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन होता है बाकी कोई चीज़ नहीं होती 17 पे बात करते हैं क्या कह रहा है बेटा पार्टनरशिप प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर अगर आप देखो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है सही है बेटा हमें यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट बैंक का इंटरेस्ट दिया हुआ है लोन इंटरेस्ट जो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है पार्टनर से जो लोन लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग है व्हाट वाज द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड रेजिडुअल प्रॉफिट प्रॉफिट फॉर द ईयर कैसा आएगा बेटा हम स्टार्ट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट से फिर उसमें से क्या करेंगे अदर इनकम तो है नहीं फिर उसमें से ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सपेंसेस माइनस करेंगे
कितना बेटा ऑपरेटिंग कॉस्ट 30,000 फिर ये जो प्रॉफिट ये जो इंटरेस्ट है ये भी माइनस होगा इंटरेस्ट इंटरेस्ट बेटा एक बैंक का इंटरेस्ट है वो भी माइनस होगा और एक जो लोन का इंटरेस्ट है जो पार्टनर से लोन लिया है वो भी माइनस होगा ऐसा ही है ना वो भी माइनस होगा तो जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर कहलाएगा कैलकुलेटर है भाई कितना हो गया 44,700 एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं भाई ऑन द रिकॉर्ड कितना है 76,000 हमारा है ग्रॉस प्रॉफिट उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर दें और इसके अलावा लोन इंटरेस्ट बैंक से जो लोन लिया वो भी और जो पार्टनर से लिया 44,100 आ रहा है भाई चेक करें 44,100 बेटा हमारा आ रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर जी क्या करें प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं आगे ऐड करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया हुआ है 2000 ये ऐड हो जाएगा फिर लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5600 तो क्या रेजिडुअल प्रॉफिट आ जाएगा रेस्ट इन पीस रेजिडुअल प्रॉफिट तो बेटा क्या करना है इसमें 2000 और ऐड कर दें और 5600 क्या कर दें माइनस कर दें तो 40,500 तो ए इज द राइट आंसर बेटा 17 का ए आ रहा है 40,500 तो ये प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया और रेजिडुअल प्रॉफिट आ गया सही है जी आगे बात बढ़ा दो क्वेश्चन भाई 18 में क्या कह रहा है बेटा वाई इज द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी प्रिपेयर्ड सो साई क्यों बनाते हैं ये पूछ रहा है टू कैलकुलेट प्रॉफिट व्हेन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैव बीन कैप्ट सोसाई का इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना स्टेटमेंट ऑफ टू मैच डिविडेंड पेड टू प्रॉफिट ऐसा कोई सीन नहीं होता ना जितना प्रॉफिट है उतना डिविडेंड पेड हो टू शो चेंजेस इन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में सिर्फ इक्विटी आता है या लोन भी आता है सिर्फ इक्विटी आता है भाई उसमें इक्विटी एंड रिजर्व आता है उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं होता कैपिटल एम्प्लॉयड में लोन होता है सही लेकिन सोसाई में नहीं होता सही है सोसाई में सिर्फ इक्विटी होता है टू शो द मूवमेंट इन शेयर होल्डर स्टेक ये सही है ना टू शो द मूवमेंट तो बेटा 18 का डी इज द राइट आंसर अब आ जाते हैं 19 में द ट्रायल बैलेंस ऑफ द कंपनी एट ईयर एंड 31st December एट द एंड ऑफ ईयर वन इंक्लूड द फॉलोइंग अमाउंट तो अगर आप देखो बेटा $800,000 है और एक शेयर कितने का है $500,000 का तो बताओ शेयर्स कितने होंगे 16 लाख सही $800,000 डिवाइडेड बाय 0.5 1.6 मिलियन शेयर्स होंगे शेयर प्रीमियम दिया हुआ रिटेन्ड अर्निंग दिया रिक्वायरमेंट क्या है बेटा रिक्वायरमेंट ये है कि व्हाट इज द बैलेंस ऑन द शेयर प्रीमियम अकाउंट आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन हमने बताना है बेटा इन हरकतों के बाद हमारा शेयर प्रीमियम कितना बचा तो पहले से प्रीमियम कितना दिया हुआ है बेटा 28,000 क्या कह रहा है बेटा पढ़ो ऑन 1st January हाँ मोहम्मद ऑन 1st January इन ईयर टू अगले साल ना द कंपनी मेड ये ईयर वन का एंड है ना तो ईयर टू अब आ गया राइट इशू किया है कितना राइट इशू किया बेटा 4 लाख शेयर इशू किए और प्रीमियम कितना है 0.7 तो बेटा 4 लाख इंटू 0.2 करेंगे या 0.7 करेंगे शेयर प्रीमियम के लिए 0.7 करेंगे क्यों क्योंकि ये नहीं बोल रहा एक शेयर 0.7 पे इशू किया ये कह रहा है प्रीमियम और 0.7 देख रहा है घुमा रहा है तो आप तो ये सोच रहे थे यार 0.5 की चीज 0.7 में इशू की होगी तो 0.2 का प्रीमियम होगा लेकिन वो कह रहा है 0.7 तो सिर्फ प्रीमियम है तो इसका मतलब 1.5 वाला शेयर कितने में इशू किया ये 0.5 वाला शेयर 1.2 में इशू किया ना तो प्रीमियम होगा 4 लाख इंटू 0.7 तो 280 से प्रीमियम बढ़ जाएगा या नहीं 280 से प्रीमियम बढ़ जाएगा आगे कह रहा है बेटा कंपनी ने इशू किया बोनस शेयर्स बोनस इशू की टर्म्स क्या है वन देखिए ONE बता रहा है कंफ्यूज करने के लिए फॉर एवरी 4 FORE तो 1/4 क्या होगा बेटा बोनस इशू होगा ऐसे ही ना तो बेटा पहले से शेयर कैपिटल कितना था 8 लाख अब सवाल ये आता है ये जो बोनस इशू है ये राइट इशू से पहले हुआ है या राइट इशू के बाद हुआ है बताओ राइट इशू के बाद हुआ है तो क्या इसको भी इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे तो बेटा 8 लाख पहले था और इसमें और ऐड कर दें कितने नए शेयर इशू हुए 2 लाख अच्छा ये 2 लाख शेयर इशू हुए एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू क्या थी 0.5 तो 4 लाख इंटू 0.5 करेंगे तो 2 लाख से कैपिटल बढ़ जाएगा नहीं तो बेटा अब आप देखो वो जो कैपिटल 1 मिलियन हो गया 1 मिलियन हो गया ना 10 लाख इसको कर देंगे 1/4 तो क्या 2.5 लाख से और कैपिटल इशू करेंगे बोनस इशू के लिए नहीं 2.5 लाख तो बेटा बोनस इशू में क्या पैसे आते हैं या फ्री में देते हैं फ्री में देते हैं तो बेटा नॉर्मली जब पैसे आते हैं हम क्या एंट्री बनाते हैं बैंक डेबिट सही और शेयर कैपिटल क्रेडिट लेकिन यहाँ तो कैपिटल तो क्रेडिट होगा लेकिन पैसे तो आ नहीं रहे तो अब हम रिजर्व्स को डेबिट करेंगे तो बेटा फ्लेक्सिबल अगर हमें अपने आप को रखना है तो पहले रिटेन्ड अर्निंग यूज किया जाए या पहले शेयर प्रीमियम पहले शेयर प्रीमियम यूज करेंगे क्योंकि शेयर प्रीमियम बेकार चीज है रिटेन्ड अर्निंग तो बाद में भी काम आ जाएगी डिविडेंड पे करने के लिए लेकिन शेयर प्रीमियम बेकार चीज है तो हमें कितना चाहिए 2.5 लाख तो क्या पूरा 2.5 लाख शेयर प्रीमियम में से यूज कर पाएंगे या नहीं पूरा 2.5 लाख इसी में से निकाल देते तो हमें बेटा क्लोजिंग बैलेंस बताना है तो 280 में से 250 तो यूज हो गया 30 ये बचा और पहले का 2 लाख बचा तो टोटल हो जाएगा 230 ए इज द राइट आंसर समझ में आ रहा है
तो होता ये बेटा, जब भी हम बोनस इशू करते हैं, याद रखो पहले हम कौन सा रिजर्व यूज करेंगे, शेयर प्रीमियम। रीवैल्यूएशन रिजर्व यूज करने की इजाजत नहीं है, सही। एक बार शेयर प्रीमियम एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया, तो फिर हम जनरल रिजर्व पे जाएंगे, और अगर जनरल रिजर्व भी खत्म हो जाए तो फिर रिटेंड अर्निंग पे जाते हैं, सही है ना। रिटेंड अर्निंग सबसे काम की चीज है, उसको बचा के रखो और वो सबसे एंड में यूज करेंगे रिटेंड अर्निंग। आगे क्या कह रहे हैं बेटा, जिम इज अ मैनेजर इन अ लिमिटेड कंपनी। जनरल रिजर्व बेटा कैसे बढ़ता है, जब हम ट्रांसफर करते हैं जनरल रिजर्व में तो रिटेन्ड अर्निंग कम हो जाती है और जनरल रिजर्व बढ़ जाता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या कह रहा है, जिम एक मैनेजर है लिमिटेड कंपनी में, ही ऑल्सो ओन अ फ्यू ऑफ इट शेयर्स, कंपनी के थोड़े बहुत शेयर्स भी उसके पास है, मेजोरिटी शेयर होल्डर नहीं है। Why has he been looking at the most recent financial statement? वो कह रहा है उसको क्या पढ़ी है, वो क्यों अकाउंट्स देख रहा है कंपनी के, टू डिस्कवर द प्रॉफिट मेड बाय हिज डिपार्टमेंट as he might receive a bonus, to find out if company made a profit making his job more secure, to know if dividend will increase over the next 5 years improving his income। लेकिन इसके बाद इतने shares तो नहीं है कि ये जो है ना dividend की फिक्र करे, वो कह रहे हैं few of its shares है, थोड़े बहुत shares है, job की ज्यादा फिक्र होगी ना। To see if the company has a good reputation, increasing the value of its shares. Again, shares major shareholder नहीं है, अगर major shareholder होता ना तो उसको अपनी जॉब से ज्यादा shares की फिक्र होती, लेकिन अब ये चूंकि manager है limited company में तो ज्यादा इसको जो फिक्र होगी ना वो अपनी job security की होगी, सही है। तो B जो है इसका right answer है। तो A और B थोड़ा confusing था इसमें कि भाई ये है कि bonus वगैरह भी हो सकता है, लेकिन bonus इतना कोई major नहीं होता कि वो उसको बोनस की ज्यादा फिक्र हो, उसको ज्यादा फिक्र जो होगी ना वो होगी अपनी जॉब की, सही है ना? सर ए में उसका डिपार्टमेंट का बैंक स्टेटमेंट से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाँ ये भी हो सकता है कि जो डिपार्टमेंट वाइज जो बनते हैं ना अकाउंट्स वो तो इंटरनल बनते हैं, सही है ना। और जो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा है तो वो तो मोस्ट रिसेंट वो तो होगी शेयर होल्डर वाली, तो उसमें ओवरऑल प्रॉफिट आता है, सही। उसके सिर्फ इस डिपार्टमेंट का नहीं आता, बिल्कुल ये भी पॉइंट तुम्हारा वैलिड है। आगे बात करते हैं 21 में, एच लिमिटेड की कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ द रिसेंट टू ईयर्स ईयर टू एंड वन इज एज फॉलोज। ये क्या दिया हुआ बेटा हमें, कॉस्ट ऑफ सेल दी हुई है ईयर टू की और वन की, एवरेज इन्वेंट्री दी हुई है हमें, और क्रेडिट परचेजेस दी हुई है, और कॉस्ट ऑफ सेल दी हुई। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एफिशिएंसी ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर इज करेक्ट। हमने बताना है इन्वेंट्री टर्नओवर के बारे में कौन सी बात सही। यार इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला याद है, इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला हमें यहाँ डेज में मांगा हुआ या टाइम्स में, डेज में। तो इन्वेंट्री टर्नओवर का क्या फॉर्मूला होता है, डेज का एवरेज इन्वेंट्री अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल इनटू 365 के साल में 365 दिन होते, तो दो साल है, एक ईयर वन और एक है ईयर टू, तो दोनों सालों का निकाल लेते हैं। ईयर वन ये वाला, तो बेटा एवरेज इन्वेंट्री गिवन है कितनी, एवरेज 65, कॉस्ट ऑफ सेल भी गिवन है बेटा कितनी 750, कैलकुलेटर उठा लें, इनटू 365 बताएं कितना आ रहा है ईयर वन का इन्वेंट्री टर्नओवर, 65 डिवाइड बाय 750, और ईयर टू का भी लिख लेते हैं एवरेज कितनी है बेटा 1 लाख, और कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है बेटा 850, 1 लाख डिवाइड बाई 850 इंटू 365, तो बता दे भाई कितना कितना आ रहा है ईयर वन में, 32 डेज आ रहा है। चेक कर लो ना भाई क्या कर रहे हो, 65 डिवाइड बाई 750 इंटू 365, तो ये आ रहा है बेटा 31.6, 32 डेज इज द राइट आंसर। और आगे क्या है भाई, 1 लाख डिवाइड बाई 850 जी, 1 लाख डिवाइड बाई 850 इंटू 365 आ गया, कितना आ गया 2.94 नहीं है कैलकुलेटर का वो है 42.9, तो 43 डेज। तो बेटा अगर आप देखो ईयर वन में इन्वेंट्री कितने दिन में बिक रही थी बताएं, ईयर वन में बेटा इन्वेंट्री 32 डेज में बिक रही थी और ईयर टू में 43 डेज, तो डेज बढ़ गए या कम हो गए, डेज बढ़ना अच्छी बात है या नहीं, डेज बढ़ना अच्छी बात नहीं है, टाइम्स बढ़ना अच्छी बात है, डेज बढ़ना, डेज कम होना चाहिए, तो डेज बढ़ना यहाँ पे अच्छी बात नहीं। तो अगर आप देखें भाई क्या कह रहा है, ईयर टू इज बेटर या ईयर टू इज वर्स, वर्स हो गया ना, तो ये सी और डी में से हो सकता है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ सेल हायर है इस वजह से या इन्वेंट्री डेज हायर है इस वजह से, इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल हायर है ना ईयर टू में, हाँ। लेकिन ये इतना मसला नहीं होता कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ना, ये मसला होता है कि यार आपका ये क्यों हाई हो रहा है, डेज बढ़ना अच्छी बात नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। 22nd में बात करते हैं, 22nd यार वो 22nd में देखते हैं बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है विच एक्सपेंस फॉर द बिजनेस में बी क्लासिफाइड एज अ स्टेप कॉस्ट। ये स्टेप कॉस्ट पे हमने पहले बात की थी, फैक्ट्री का रेंट जो है ना फिक्स कॉस्ट की समझ लो एक एडवांस टाइप है, मॉडर्न टाइप है, वो स्टेप कॉस्ट। स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या कहती है,
कि भाई फिक्स कॉस्ट का तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वॉल्यूम कुछ भी हो कॉस्ट क्या रहेगी फिक्स रहेगी, लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? नहीं, प्रैक्टिकली बेटा कॉस्ट फिक्स रहती है ओवर अ रेंज ऑफ एक्टिविटी, और अगर हम उस रेंज ऑफ एक्टिविटी से बाहर निकलने की कोशिश करें तो कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, इस तरीके का आपका ग्राफ होता है, सही है, फिक्स कॉस्ट का इस तरीके का ग्राफ होता है ऐसे, लेकिन होता है ये बेटा कि एक खास एक्टिविटी तक ये कॉस्ट फिक्स रहेगी, लेकिन अगर आप एक्टिविटी में आगे बढ़ जाएं तो कॉस्ट में क्या आएगा, स्टेप अप आएगा, और फिर क्या हो जाएगी, कुछ अर्से के लिए कॉस्ट फिक्स हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एक स्कूल खोला और हमने टीचर स्टूडेंट रेशो बनाया 1:10, सही है, मॉन्टेसरी खोली, तो हमने बोला एक टीचर को हम देंगे 1,00,000 और वो 10 बच्चों को पढ़ाएगी, तो अगर एक बच्चा हो या 10 बच्चे हो, एक टीचर काफ़ी है, लेकिन जैसे नंबर ऑफ बच्चा 10 से बढ़ा तो अब हमें एक और टीचर हायर करनी पड़ेगी, तो अब 1,00,000 के बजाय कॉस्ट क्या हो जाएगी, 2,00,000। अब ये दो टीचर कब तक काफ़ी रहेंगे, जब तक 20 बच्चों से ज़्यादा नहीं होगा, जैसे ही बच्चा 20 से बढ़ा तो बेटा हमारी कॉस्ट में स्टेप अप आएगा और फिर तीसरा टीचर हमें हायर करना पड़ेगा और फिर कॉस्ट क्या हो जाएगी, 3,00,000 हो जाएगी, ऐसा ही है। तो ये देखें स्टेप्स की फॉर्म में बन रहा है ये, इसको ये जो है ना स्टेप कॉस्ट कहलाता है, स्टेप फैशन में बढ़ी। ये जो टेलीफोन होता है ये सेमी वेरिएबल होता है, इसमें वेरिएबल भी होता है, लाइन रेंट जो होता है, मीटर रेंट, वो फिक्स होता है, सही, और जो वेरिएबल चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी या टेलीफोन, और ये जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है बेटा ये सारी क्या होती है, वेरिएबल होती है, ऐसा ही डायरेक्ट कॉस्ट। 22nd के बाद बेटा 23rd पे बात करें, क्या करें, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब GIT, जस्ट इन टाइम मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री। जस्ट इन टाइम आपने पढ़ा होगा बिजनेस में, अकाउंट्स में तो है नहीं इतना, तो देख लेते हैं। इट इंक्रीजेज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, जस्ट इन टाइम में कॉस्ट बढ़ती है कम हो जाती है? जस्ट इन टाइम में तो कॉस्ट कम है, जस्ट इन टाइम ये होता है बेटा हम इन्वेंट्री से उस वक्त बाई करते हैं जब आगे से डिमांड हो, सही, और अपने पास इन्वेंट्री पाइल अप करके नहीं रखते, सही, तो उससे कॉस्ट में क्या होती है, सेविंग्स होती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, सही हो जाता ना, सही। लेकिन उसके लिए आपने ये भी पढ़ा है कि सप्लायर के साथ आपके रिलेशनशिप क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, सही है। तो क्या कह रहा है भाई, ये तो गलत हो गया ना, एडमिन कॉस्ट तो बढ़ेगी नहीं बल्कि कम हो जाएगी। कह रहा है एक मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी है डेट मिनिमाइजेज इन्वेंट्री टू इंक्रीज एफिशिएंसी, बात सही है, इन्वेंट्री को कम करते हैं एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। प्रोड्यूसर्स होल्ड ओनली सफिशिएंट इन्वेंट्री टू मीट मैक्सिमम डिमांड, ऐसा ही है ना, सिर्फ उतनी इन्वेंट्री रखेंगे बेटा जितनी डिमांड है, और उससे ज़्यादा अपने लिए इन्वेंट्री नहीं खरीदेंगे, सिर्फ बेचने के लिए खरीदेंगे। सिस्टम बेनिफिट कैश फ्लो, क्या कैश फ्लो बढ़ेगा इससे? सही है बिल्कुल। एंड रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू रन द बिजनेस, तो बेटा कैश फ्लो कम चाहिए होगा, वर्किंग कैपिटल या कैपिटल कम चाहिए होगा, तो 2, 3, 4 बेटा सी इज द राइट आंसर। 24 पे बात करते हैं, कह रहे हैं द डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट, देख ले जरा, ऑफ अ बैच ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज 10,000 फॉर 50,000 कैन। तो बताइए $10,000 एक कैन बनाने की है, 50,000 कैन बनाने की, ये 50 एक कैन तो $10,000 का नहीं होगा, तो कोई बहुत ही नायाब माल हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं भाई, 60 डायरेक्ट लेबर आवर्स आर रिक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ $40 पर लेबर आवर, तो ये लेबर का इसने बता दिया। तो एक कैन बनाने में 60 घंटे लगेंगे या 50,000 कैन बनाने में? 50,000 कैन बनाने में, सही। ओवरहेड आर एब्जॉर्ब एट द रेट 250% ऑफ लेबर कॉस्ट, व्हाट इज द कॉस्ट पर सॉफ्ट ड्रिंक, याद है वो जॉब कॉस्टिंग या बैच कॉस्टिंग इस तरह की चीज़ें। तो बेटा सबसे पहले आ जाते हैं डायरेक्ट मटेरियल पे, कितना मटेरियल लग रहा है 10,000, अब आ जाते हैं डायरेक्ट लेबर कितने घंटे लग रहे हैं 60 आवर्स, और पर आवर का रेट क्या बेटा 24, और ओवरहेड बेटा कितना एब्जॉर्ब हो रहा है 250% ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो बेटा लेबर कितनी लग रही है 2400 का लगा देंगे 250%, 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें 6,000 आ जाएगी बेटा ओवरहेड, इन सबको ऐड कर लें, टोटल बताए कितना आ रहा है 18,400 आ रही है टोटल कॉस्ट। तो हमें एक कैन की मांगी है, पर कैन की मांगी है ना, तो इसको डिवाइड बाई 50,000 कैन कर दें, तो एक कैन की कॉस्ट कितनी होगी बेटा जी, कितनी आ रही है 0.37 आ रही है, सही है 0.37, तो बी इज द राइट आंसर 24 का। ऐसा 25 में बात करते हैं बेटा, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग का फायदा क्या है, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन अ प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस, क्या अब्सॉर्प्शन सेलिंग प्राइस निकालने में हेल्प करती है? नहीं करती है, क्यों? क्योंकि बेटा अगर अब्सॉर्प्शन से टोटल कॉस्ट आ जाती है नहीं, और टोटल कॉस्ट पे हम मार्कअप रखेंगे तो हमारे पास प्राइस आ जाएगी, सही है ना, तो जब तक बेटा हम ओवरहेड अब्सॉर्ब नहीं करेंगे हमारे पास टोटल कॉस्ट नहीं आएगी, टोटल कॉस्ट नहीं आएगी तो प्राइस नहीं निकल सकती, ये बात सही है। इट इज यूज्ड टू इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी, अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग से ऑपरेशनल एफिशिएंसी का कोई ताल्लुक नहीं है, सही है, और इट मेक्स इट इजी टू एनालाइज कॉस्ट एट डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल, ये कौन सी कॉस्ट होती है बेटा कि डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल पे जो है वो एनालाइज कर सकें, ये कौन सी कॉस्ट होती है, ये मार्जिनल होती है, सही है ना, ब्रेक इवन, याद है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, इट टेक्स ओनली अकाउंट ऑफ वेरिएबल, ये तो दोनों को अकाउंट लेते हैं ना, अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग को फुल कॉस्टिंग भी कहते हैं, सही, तो फिक्स वेरिएबल दोनों लेते हैं। 26 देखते हैं बेटा,
क्या कह रहा है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। यार इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है वो अपने पास याद रख लें, वो फॉर्मूला है डिफरेंस इन प्रॉफिट्स। ठीक, अगर हमें बेटा डिफरेंस निकालना हो प्रॉफिट में तो फॉर्मूला होता है चेंज इन इन्वेंट्री लेवल्स। क्या फॉर्मूला होता है? चेंज इन इन्वेंट्री लेवल्स इनटू ओएआर पर यूनिट। ये फॉर्मूला क्या, पहले तो ये समझो बेटा, अगर हमें देखना है मानल और अब्जॉर्प्शन दोनों में कितना डिफरेंस आएगा तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। क्या फॉर्मूला है? चेंज इन इन्वेंट्री इनटू ओएआर। अब बताओ मानल और अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट दोनों का पहले ही दिया हुआ या नहीं दिया हुआ, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, बताओ कितना आ रहा है? 1,400,000 और 90,600, तो कितना आ रहा है? 9,800 डिफरेंस आ रहा है, $9,800। और बेटा अगर हमने निकालना होता तो चेंज इन इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है? ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री का डिफरेंस, बताएं कितना डिफरेंस आ रहा है? 22,500 और 20,300, 2,200 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है इनटू ओएआर पर यूनिट। अगर ओएआर पर यूनिट हमें गिवन होता तो यूनिट्स को हम इससे मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाते। तो अब क्या एक्स अगर निकालना हो तो निकाल सकते हैं, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा डिवाइड हो जाएगा, बताओ कितना आ गया ओएआर जी? 26 का क्या आ रहा है? 4.45 या 6, सही है? नहीं नहीं, 4.45। ये देखो कितना एग्जैक्ट दिया हुआ है इन्होंने, बी आंसर, एक 4.6 दिया हुआ है, 4.5, ये वाला राइट आंसर है, बी वाला सही है। तो बेटा अगर मैं आपको ये बता देता कि ओपनिंग क्लोजिंग कितनी हो तो मैंने आपको बता दिया, अगर ओ ए आर भी मैं आपको बता देता तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम ये निकाल लेते, तो बाद वक्त वो ये करेगा कि मार्जिनल का प्रॉफिट दे देगा, बोलेगा अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट निकालो, और अब्जॉर्प्शन का दे देगा, बोलेगा मार्जिनल का निकालो। अब ये कैसे पता लगाएंगे कि किसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, मार्जिनल का अब्जॉर्प्शन का? इसके लिए बेटा एक हमने निमोनिक पढ़ा है, IIH और आइडल। ये क्या होता है बेटा, अगर इन्वेंट्री लेवल इंक्रीज हो रहे हैं तो अब्जॉर्प्शन क्या देगी? हायर प्रॉफिट। और अगर इन्वेंट्री लेवल बेटा डिक्रीज हो रहे हैं तो अब्जॉर्प्शन क्या देगी? लोअर प्रॉफिट। तो बेटा अगर आप देखें ये क्या गया, ये हमारे पास ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट आ गया। ये समझ आया कि अगर अच्छा ये यहाँ पे अगर आप देखो किसका प्रॉफिट ज्यादा है, क्या बताओ? इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है डिक्रीज, तो ओपनिंग थी बेटा 20,300 और क्लोजिंग हो गई 22,500, इन्वेंट्री बढ़ गई ना, तो ये अप्लाई होगा, इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट हायर है। तो देखो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट 9,800 से हायर है या नहीं है, चेक करो, मार्जिनल का इतना, एब्जॉर्प्शन का ज्यादा। तो बेटा अगर मार्जिनल का प्रॉफिट दिया होता तो इसमें 9,800 ऐड करता तो एब्जॉर्प्शन का आ जाता, और अगर एब्जॉर्प्शन का दिया हुआ है तो 9,800 माइनस करूंगा तो मार्जिनल का जाए। तो बस ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अगर एक का प्रॉफिट दिया हुआ है तो आप दूसरे का निकाल सकते हैं, अगर दोनों का प्रॉफिट निकाल दिया हुआ है तो चेंज इन इन्वेंट्री निकाल सकते हैं। और अगर ये भी हो सकता है बेटा कि हमें ओएआर भी दिया हो और ओपनिंग दी हुई हो और बोले क्लोजिंग निकालो, और क्लोजिंग दी हुई हो तो ओपनिंग, तो देखें एक ही फॉर्मूले से कितने जो है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, सही है ना? इन दोनों में से एक चीज़ निकाल सकते हैं, इन दोनों में से एक चीज़ निकाल सकते हैं, या ओएआर, सही ना? तो पांच चीज़ें निकाल सकते हैं एक फॉर्मूले से। क्वेश्चन नंबर 27 में देखें बेटा क्या कह रहे हैं, एक्स लिमिटेड हैज़ बजटेड मंथली ओवरहेड, पर तीन रह गए, सही, कितना है बेटा बजटेड मंथली ओवरहेड? 1,25,000, ये बजटेड ओवरहेड है ना। और ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट क्या है? 5 पर मशीना। जुलाई में क्या हुआ है? अंडर अब्जॉर्प्शन हुआ है। क्या हुआ है? अंडर अब्जॉर्प्शन। हमने बताना है बेटा कि इन चारों में से क्या क्या किया होगा हमने कि अंडर अब्जॉर्प्शन हुआ हो, सही है? तो अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है बेटा, इसको ऐसे समझें कि ओवर या अंडर अब्जॉर्ब की दो रीजंस होते हैं, पहला रीजन होता है एक्टिविटी का और दूसरा रीजन होता है ओवरहेड का। तो पहले एक्टिविटी को समझें, एक्टिविटी को समझना बहुत आसान है यार, अगर बजट से ज़्यादा घंटे काम करेंगे तो बताओ ओवर हो जाएगा या अंडर? बजट से ज़्यादा घंटे काम करेंगे तो ओवर हो जाएगा, और बजट से कम घंटे काम करेंगे तो अंडर। अब मुझे बताओ यहाँ पे बजट से हमने ज़्यादा घंटे काम किए हैं या कम? अच्छा पहले तो ये बताओ अंडर एब्जॉर्ब हुआ ना, अंडर एब्जॉर्ब का मतलब हमारे जो मशीन आवर्स थे वो लेस थे बजट से या मोर थे? लेस थे। इसका मतलब बेटा एलिमिनेशन टेक्निक के तहत बी और सी तो गया, इसका मतलब बेटा मशीन आवर्स लेस थे, सही है ना? मशीन आवर्स अगर लेस होंगे तो हमारा क्या होगा? अंडर एब्जॉर्ब होगा। अब ओवरहेड जो है वो लेस होगा या हायर होगा? ओवरहेड जो है वो हायर होगा। यार मैं आपको बड़ी एग्जांपल के थ्रू बात समझा देता हूँ ताकि आपको बात जो है ना दिमाग में लॉक हो जाए। एग्जांपल ये बेटा, अगर ये मेरा सेंटर है, इसका 1,00,000 जो है वो मेरे रूम का रेंट है, और मैंने आपको पहले भी बताया था, और अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि हर महीने में मतलब हर सेशन में मैं 100 बच्चे पढ़ाता हूँ, सही है? तो 1,00,000 रेंट है और 100 बच्चे हैं, तो एक बच्चे पे कितना ओवरहेड अब्जॉर्ब कर रहा हूँ बताओ? 1,000, एक बच्चे पे 1,000। अब मैंने सोचा था 100 बच्चे आएंगे, लेकिन इस बार मेरे पास आए 70 बच्चे आए, सही है? तो बताओ मैंने जो प्लान किया था, मैंने ओवरहेड ज़्यादा एब्जॉर्ब कर दिया है कम किया? कम किया ना। इसका मतलब बेटा मैंने सोचा था 100 बच्चों पे हर बच्चे पे 1,000 एब्जॉर्ब करूंगा, लेकिन एक्चुअली बच्चे कितना है? 70। तो बेटा अगर कम बच्चे आए तो मैंने कम ओवरहेड एब्जॉर्ब किया होगा, तो इसका मतलब बेटा मेरी एक्टिविटी कम हुई होगी ना, सही है? अब
अंडर एब्जॉर्ब कब होता है, जब एक्टिविटी हमारी कम हो लेकिन ओवरहेड हमारा क्या हो, ज्यादा हो, हमारा खर्चा ज्यादा आ गया। फॉर एग्जाम्पल बच्चे 100 ही है, बच्चे कितना है 100, हर बच्चे पे 1000 ओवरहेड एब्जॉर्ब कर रहा था, 1,00,000 मैंने ओवरहेड एब्जॉर्ब किया लेकिन मेरा एक्चुअल बिल 1,25,00,000 आ गया। बताओ अगर एक्चुअल ओवरहेड ज्यादा आ गया बिल इस बार लेकिन मैंने एब्जॉर्ब किया एस्टिमेटेड के हिसाब से 1,00,000, तो क्या अंडर एब्जॉर्ब हो जाएगा या नहीं? तो इसका मतलब बेटा हमारा ओवरहेड क्या हो जाना चाहिए, हायर हो जाना चाहिए। तो ए आंसर होगा। अगर बिल आपका 90,000 भी आ जाता तभी हो, अंडर नहीं, भी होता। हाँ, अगर बिल 90 आता तो मैंने 1,00,000 एब्जॉर्ब कर दिया ना, तो मैंने ओवर एब्जॉर्ब हो गया। 70 एब्जॉर्ब नहीं, नहीं वो नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मैं अब ये अज्यूम करूँ कि मेरी एक्टिविटी वही थी 100 बच्चा, एक्टिविटी को दोबारा फिक्स कर देना, अगर मेरा अजम्पशन ये है कि मेरी एक्टिविटी थी पूरे 100 बच्चा है, हर बच्चे पे मैंने 1,000 एब्जॉर्ब किया, 1,00,000 एब्जॉर्ब कर दिया लेकिन एक्चुअल बिल आ गया 1,25,000, तो मैंने कम एब्जॉर्ब किया ना। और अगर एक्चुअल बिल मेरा आता ज़्यादा, तो एक्चुअल बिल कम आता तो इसका मतलब फिर ओवर एब्जॉर्ब हो जाता, सही है? तो यहाँ पे बेटा ए आंसर होगा। अच्छा, आप ये चेक भी कर सकते हैं कैसे, यार अगर आप देखो यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमने बोला है ना सही आंसर है, ये चेक भी कर सकते हैं कैसे, यार ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या है 5, सही। और अगर 100 घंटे कम काम किए तो 100 घंटे इंटू 5, तो क्या 500 से अंडर एब्जॉर्ब हो गया नहीं? तो एक तो अंडर एब्जॉर्ब 500 से ये हुआ और ओवरहेड भी 500 ज्यादा आ गया, तो 500 और 500 1,000 हो गया, नहीं हो गया? तो इस तरीके से बेटा आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जो है ना टेक्निकल सवाल था। 28 में क्या कह रहा है, विच चेंजेस रिजल्ट इन डिक्रीज इन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला याद है बेटा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है बजटेड माइनस ब्रेक इवन। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम कब होगा, डिक्रीज कह रहा ना, जब बजट हमारा क्या हो, कम हो, बजट कम हो और ब्रेक इवन ज्यादा हो जाए। जब हमने बजट बनाया या एक्चुअल यूनिट कम बिके, सही, या प्लान कम किया और ब्रेक इवन ज्यादा हो गया, सही है ना? तो अब बेटा बजट का तो यहाँ नहीं है, ब्रेक इवन का है। अब देखो ब्रेक इवन बढ़ेगा कब, ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो बताओ ब्रेक इवन जो है वो ज्यादा हमें यूनिट कब बेचने पड़ेंगे, जब हमारी फिक्स कॉस्ट ज्यादा हो गई या कम हो गई? ज्यादा हो गई, फिक्स कॉस्ट ज्यादा हो गई। जितनी फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी उतना ब्रेक इवन हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ब्रेक इवन बढ़ जाएगा, सही। इसका मतलब ज्यादा यूनिट बेचने पड़ेंगे ना ब्रेक इवन के। और कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कॉन्ट्रीब्यूशन कम कब होगी, वेरिएबल कॉस्ट है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत टेक्निकल सवाल है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कॉन्ट्रीब्यूशन कब कम मिलेगा, जब सेलिंग प्राइस कम हो और वेरिएबल कॉस्ट क्या हो, ज्यादा। तो अब बता दे वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है कौन से ऑप्शन में और फिक्स कॉस्ट भी ज्यादा है, दोनों ज्यादा आ रहा है? डी आंसर, टेक्निकल सवाल था, सही है ना? पहले तो ब्रेक इवन के फॉर्मूले को खोला, सॉरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूले को खोला, फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ब्रेक इवन के फॉर्मूले पे गए, फिर उससे फिर वो अंदाजा लगा रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फॉर्मूले आसान है, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। जी दिमाग लगाना पड़ेगा, तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लें भाई इसकी। 29 बेटा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहे बेटा, कंपनी हैज द फॉलोइंग वेटेड इन्फॉर्मेशन पर यूनिट। बेटा कुछ हमें वेटेड डेटा दिया हुआ है, और क्या दी हुई है, सेलिंग प्राइस दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है और फिक्स कॉस्ट दी हुई है। व्हाट इज द इंक्रीज इन ब्रेक इवन सेल्स इफ फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाय 33.33%। कह रहे इंक्रीज इन ब्रेक इवन रेवेन्यू। यार ब्रेक इवन रेवेन्यू का फॉर्मूला याद है आपको? ब्रेक इवन रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट, अच्छा अगर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करते हैं बेटा तो वो ब्रेक इवन यूनिट्स आते हैं। अगर रेवेन्यू निकालना हो तो हम डायरेक्टली इसको सीएस रेशियो से डिवाइड कर सकते हैं, किससे? यार या तो हम एग्जिस्टिंग ब्रेक इवन निकालें और रिवाइज निकालें, या तो आसान तरीका यह है कि सिर्फ हम डिफरेंशियल निकाल लें। तो बताओ फिक्स कॉस्ट कितने से इंक्रीज हो रही है, 1/3 से, ऐसा ही है ना? तो बेटा अभी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 72 का 1/3 निकालो, बताओ कितना आ रहा है, 24,000 से फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कैसे आता है बेटा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। कंट्रीब्यूशन कैसे आता है बेटा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस है 25 और वेरिएबल कॉस्ट है 10, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, 15, ऐसा ही ना? 15 डिवाइड बाई 25 करो कितना परसेंट आ रहा है, 60% आ रहा है, 0.6। तो बेटा 24,000 को डिवाइड कर दो जरा 0.6 से, 24,000 इंटू 0.6 60%। कौन सा फॉर्मूला कह रहे हो तुम, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? 40,000 आ गया सर बी। उससे भी हो सकता है, मैं बता देता हूँ जी, कितना आ गया, 40,000 बी आ रहा है आंसर, 29 का बी आ रहा है। अच्छा ये कह रहा है अगर ब्रेक इवन यूनिट्स के फॉर्मूले से करें, सर ज़्यादा टैलेंट ना दिखाएं जितना आपने दिखाया, तो भाई ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर। तो बेटा आप फिक्स कॉस्ट बता दो कितनी चेंज हो रही है, 24,000 डिफरेंस निकाल लेते हैं, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है, 15।
तो 24,000 डिवाइड बाय 15 करो, यूनिट्स आ जाएंगे या नहीं? 24,000 डिवाइड बाय 15 कितने यूनिट आ रहे हैं? 1600 यूनिट का चेंज आ रहा है। अगर 1600 यूनिट है फिर इसको मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस करना पड़ेगा या नहीं? सेलिंग प्राइस कितनी है? 25, तो 1600 इनटू 25 कर दो। ये ज़्यादा आसान है। तो बेटा पहले ब्रेक इवन यूनिट्स निकाल लें, अगर आपको सी एस रेशो में मसला है तो आप पहले ब्रेक इवन यूनिट्स निकाल लें फिर उसको मल्टीप्लाई कर दें सेलिंग प्राइस। तो हमने क्या कर लिया, डायरेक्टली इंक्रीज निकाल लिया। हम ये भी कर सकते थे कि पहले एग्जिस्टिंग ब्रेक इवन निकालें फिर रिवाइज निकालें, सही, फिक्स कॉस्ट बढ़ा के फिर दोनों का डिफरेंस निकालें। हम दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। आखिरी सवाल 30 क्या कह रहा है भाई, विच स्टेटमेंट अबाउट कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस अ करेक्ट। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या होता है? ब्रेक इवन होता है। ब्रेक इवन के लिए बारे में कौन सी बात सही है? कह रहा है फिक्स कॉस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर अ रेंज ऑफ एक्टिविटी। फिक्स कॉस्ट कॉन्स्टेंट रहती है नहीं रहती? बिल्कुल, ब्रेक इवन की अजम्पशन है बेटा कि फिक्स कॉस्ट क्या रहती है? कॉन्स्टेंट रहती है, सही है। प्रॉफिट आर कैलकुलेटेड ऑन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेसिस। ये ब्रेक इवन में एब्जॉर्प्शन होता है, मार्जिनल होता है। ब्रेक इवन किसका पार्ट है? मार्जिनल का पार्ट है ना, तो ये बात तो गलत है। एब्जॉर्प्शन सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू आउटपुट, बात सही है ना। अगर एक यूनिट 10 का बेचते तो दो कितने के होंगे? 20 के। 3 कितने के होंगे? 30 के होंगे। ऐसा ही अहमद भाई प्रोजेक्टर ऑन करें। और 4 में क्या कह रहा है, देर इज ओनली वन प्रोडक्ट और देर इज कॉन्स्टेंट सेल मिक्स। ये भी बात सही है। ब्रेक इवन की बेटा अजम्पशन है या तो हम एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं या अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो कॉन्स्टेंट जो है ना वो कॉन्स्टेंट वो मिक्स है उसका। कॉन्स्टेंट का मतलब जैसे अगर दो प्रोडक्ट्स हैं ए और बी, ए के पहले थे 50 यूनिट और बी के थे 100, सही है। तो ए के अगर 50 से अगर बढ़ेंगे भी तो डबल हो जाएंगे तो बी के भी डबल होंगे, तो ये कॉन्स्टेंट सेल मिक्स होता है। तो ये बात सही है। तो कौन सा आ गया? 134 सी इज द राइट आंसर। सही, तो आई होप बेटा आपको पेपर ये समझ में आ गया।